Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to discuss the lecture number 35 of the Database Management System course. And as you know, the course code is CS403. In the lecture number 34, we discussed different storage devices. Because when we are working with the databases, obviously we have to face, we have to encounter, we have to use different types of storage devices so if we have the idea of the properties or the characteristics or features of different storage devices then we will be able to manage our database in a better position because we will be placing the data at proper time at the proper form of storage media or the storage device after that we discussed a particular arrangement of the disks called the raid raid stands for redundant array of inexpensive disks raid arranges multiple disk drives in such a form that it gives the impression of a single virtual drive the advantage of raid is that it gives faster processing speed and different architecture different arrangements of raid they give different level of fault tolerance as well so, RAID is a new technology that is being used in the modern systems nowadays. At the end of the previous lecture, we were discussing different file organizations. File organization means how do we place how we do how do we store data in different formats on disk, and we studied there are three major types of file organizations. One is sequential file organization, second one is index sequential, and third is random or Hash based. We discussed the sequential file organization in the previous lecture. Today we will start our discussion from the indexed sequential file organization. So, let us start today's lecture. Sequential files provide access only in a particular sequence. The thing is, हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जिस वक्त यू क्रिएट द दीक्वेंशियल फाइल्स द डाटा इन द सिक्वेंशल फाइल्स इज स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एंड नॉर्मली दिस एट्रीब्यूट इज़ द प्राइमरी की इसका मतलब यह हुआ कि सिक्वेंशल फाइल्स के अंदर आपके जो रिकॉर्ड स्टोर होंगे वो प्राइमरी की की वैल्यू के बेस पे स्टोर होंगे यानी जिसकी वैल्यू पहले है वो पहले वो फिर उसके बाद दूसरी फिर तीसरी एंड लाइक दैट उसका फिर दूसरा फीचर यह भी है कि वेन एवर वी वॉन्ट टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स ज़ाहिर है आपने स्टोर किए हैं तो बाद में हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हम उनको एक्सेस करें किसी भी वजह से उस पर कोई भी तरह की प्रोसेसिंग हो सकती है हमने इसको डिस्प्ले करना है या और तरह की कंप्यूटेशन करनी मिसाल के तौर पे आप के जितने भी यूटिलिटीज के जो आपके जनरल बिलिंग सिस्टम है उनको अगर आप देखें तो आपके तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो वहाँ पर स्टोर्ड हैं तो हर महीने आपके जो मीटर्स हैं उनकी जो इस महीने की रीडिंग होती है वो वहाँ पे फीड होती है और ज़ाहिर है कि इस प्रोसेस के लिए भी यू नीड टू एक्सेस ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द कस्टमर्स ऑफ द क्लाइंट्स फ्रॉम द डाटा तो ये भी एक एक्सेस की फॉर्मेट है इसके बाद जब आपने बिल कम्प्यूट करना है बिल कैलकुलेट करना है तो उस पर भी फिर यही होगा कि बारी बारी तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक्सेस होंगे और उसके बाद वो हर बिल इंडिविजुअली कैलकुलेट होगा और फिर वो बिल वहाँ प्लेस होगा इसी तरह से मैन यू वॉन्ट टू प्रिंट द बिल तो भी फिर यही होगा कि तमाम बिल्स बारी बारी एक्सेस होंगे तमाम रिकॉर्ड्स बारी बारी एक्सेस होंगे और वो उसमें वो जहरा के प्रिंट होंगे तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज दैट वी वॉन्ट टू परफॉर्म ऑन अ फाइल बट द थिंग इज इफ वी आर स्टोरिंग द फाइल इन द सवेंशल फाइल ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें जब हम उनको एक्सेस करना चाहेंगे पढ़ना चाहेंगे जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं किसी भी काम के लिए तो उस केस में आपको जिस तरतीब में आपने रिकॉर्ड्स को स्टोर किया हुआ है आपको वो उसी तरतीब में मिलेंगे पहला दूसरा तीसरा जो था लाइक दैट इसमें अगर आप एक चीज़ नोट करें कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी हैं जैसे आपको مختلف बिलिंग सिस्टम्स की एग्जाम्पल दी हैं ये सिचुएशन ऐसी हैं कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग जो हमने अभी जिसका जिक्र किया है उसके लिए हो सकता है कि सिक्वेंशल फाइल सूट्स वाई बिकॉज यू हैव टू एक्सेस यू हैव टू प्रोसेस ऑल द रिक्ड्स वन आफ्टर ऑब्वियसली तो कोई आपने जहाँ रिकॉर्ड ये तो नहीं है कि आपने कुछ को करना कुछ नहीं करना जब आपने बिल एंटर करना है जो करंट रीडिंग एंटर करनी है यू हैव टू एंटर फॉर ऑल द रिकॉर्ड फॉर ऑल द कस्टमर्स राइट जब आपने बिल कैलकुलेट करना है यू हैव टू परफॉर्म दैट प्रोसेस फॉर ऑल द

प्रोवाइड यू ओनली दी दिक्वेंशियल एक्सेस लेकिन उसका एक एडवांटेज ये है कि इट रिक्वायर्स ओनली दी नेसेसरी और द रिक्वायर्ड स्टोरेज इट ऑक्योपाइज ओनली द रिक्वायर्ड स्टोरेज इसमें जो एक्स्ट्रा आपकी प्रोसेसिंग uh, और जो एक्स्ट्रा स्टोरेज है दैट इज़ नॉट इन्वॉल्व जो कि हम बाकी केसेज में देखेंगे कि वो हो सकती है तो सीक्वेंशियल एक्सेस अगर हमें चाहिए तो स्टोरेज वाइज भी और uh, प्रोसेसिंग वाइज भी दोनों लिहाज से सिक्वेंशल फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज एफिशेंट लेकिन दैट डज नॉट सूट मैनी एप्लीकेशन सिंस इट इन्वॉल्व टू मच टाइम टू मच टाइम से दिया है कि ऐसी इन्वामेंट्स ऐसी सिचुएशंस के जिस जगह पर यू हैव टू एक्सेस नॉट ऑल द रिक्ड्स बट समर्टिकुलर रिकॉर्ड्स एंड बेस्ड ऑन डेफिनेटली समीशन देखें ना जब हमने एस क्यूल को पढ़ा उस समय ये देखा कि वेन वी वॉन्ट टू सेलेक्ट वन वी वॉन्ट टू एक्सेस ए पर्टिकुलर रो और सर्टन सर्टन रोजन सेट ऑफ रोज उस केस में हाउ डू वी आइडेंटिफाई दोज रोज़ हाउ डू वी डिस्टिंग दोज रोज और वो हमने पढ़ा था कि थ्रू ए सेलेक्ट कंडीशन जब हमने वेयर क्लॉज इस्तेमाल किया था तो यही सूरत हमारे पास रियल लाइफ में होती है कि

अगर आप खुशकिस्मत हैं तो अगर अमाउंट कम है आप जाते हैं आप बताते हैं उनको कि इसकी तो अमाउंट कम है नो इन दैट सिचुएशन दिलिंग सिस्टम और द पीपल वर्किंग देयर दे वॉन्ट टू एक्सेस ओनली योर रिकॉर्ड बिकॉज दे हैव टू मॉडिफाई दे हैव टू मेक सम चेंज इन योर पर्टिकुलर रिकॉर्ड और अगर आप इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें कि रियल लाइफ में जाहिर है कि जब हर महीने आपको बिल्स रिसीव होते हैं तो कई लोगों के बिल्स में किसी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है तो जाहिर है कि अगर आप इसको यूँ सोचें कि हर महीने ऑब्वियसली मैनी पीपल वुड कम विद देयर बिल्स टू द पीपल डीलिंग विद विद दिस बिल्स कि वो उन्हें कहेंगे कि जी ये हमारा बिल ठीक कर दें इसमें फलां चेंज कर दें फलां चेंज कर दें इसके अलावा कोई बंदा अपना एड्रेस चेंज करा है वो बिल को टेम्प्रेली उसको डिसकनेक्ट करवाना चाहता है या मैनी अदर एक्टिविटीज़ तो इन तमाम सिचुएशंस में It not, is not the situation that you want to access all the records, rather, in all these situations, you want to access some particular record, and in many situations, a single record. Now, the thing is, if you want, if you have stored your uh, records in a sequential file organization manner, what is records? आपके बिल को ठीक करने के लिए उन्हें आपके रिकॉर्ड तक जहर पहुंचना पड़ेगा क्योंकि वहीं से वो जाके उसको एक्सेस करके वो चेंजेस करेंगे तो अगर सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उनको पहले रिकॉर्ड से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा फर्ज करें हम कहते हैं कि मीटर नंबर की बेसिस पे आपने रिकॉर्ड स्टोर किए हुए records, हैं एंड मीटर नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड से देर आर हंड्रेड थाउजेंड रिकॉर्ड एक लाख रिकॉर्ड है तो एक लाख रिकॉर्ड में फर्ज करें कि आपका जो मीटर नंबर है वो है तावन हजार छः सौ अठारह नौ टू रीच टू द रिकॉर्ड नंबर सतावन हजार छः सौ अठारह वो सिक्वेंशल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में तमाम रिकॉर्ड्स भारी भारी पढ़ना पड़ेंगे उसका यही प्रोसीजर होगा कि आप पहला रिकॉर्ड पढ़ेंगे और जो आपका रिक्वायर्ड रिकॉर्ड नंबर है जिसको हमने अभी मीटर नंबर कहा फिफ्टी सेवन थाउजेंड समो पहले रिकॉर्ड से उसकी जो मीटर नंबर कंपेयर करेगा क्या ये हमारा मतलब रिकॉर्ड है नहीं है तो अगला रिकॉर्ड पढ़ें अगला 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 और इस तरीके से यू विल हैव टू एक्सेस ऑल द रिकॉर्ड्स बिफोर योर रिकॉर्ड के आपको वो वहाँ तक पहुँचने के लिए अब कु तमाम रिकॉर्ड पढ़ने पड़ेंगे और इसमें एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि फ़र्ज़ करें आप इसी तरीके से आप एक चेक लगाते हैं आप एक ऐसे रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहते हैं कि जो इतफाक़ से वहाँ है ही नहीं चाहे आपने गलत एंडर कर दिया यो रिकॉर्ड वहाँ था ही नहीं उस केस में आपको अगर की के ऑर्डर पर स्टोर है तो जब आप उस की की वैल्यू को क्रॉस कर जाएंगे मिसाल के तौर पर अगर आप रिकॉर्ड नंबर ढूंढ रहे हैं पचास हज़ार तो रिकॉर्ड नंबर पचास हजार को फर्ज के लिए वहां पर था नहीं तो आप जिस वक्त तक पिच... आप तमाम रिकॉर्ड्स को बारी बारी पढ़ते हैं पढ़ते हैं। जब तक आप पचास हजार की वैल्यू को क्रॉस नहीं करेंगे लट से आप पहुंचते हैं पचास हजार पांच पे अब जरा पचास हजार पांच जो वैल्यू है पचास हजार से बड़ी है जब वहां पहुंच गए और डाटा स्टोर है आपका की के बेस पे तो अब वहां पर जाके आपको अंदाजा होगा कि दिस रिकॉर्ड एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट तो ये वो सिचुएशन हैं ये वो स्नैरियोज हैं कि जिसमें आप देखें कि जो आपके पास एक सिस्टम है उसके लिए जो सीक्वेंशल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है वो सूटेबल नहीं है और यू मे फाइंड हार्डली एनी एप्लीकेशन कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ सिक्वेंशल एक्सेस रिक्वायर्ड है या सीक्वेंशल एक्सेस जो है वो सफिशेंट है इन मोस्ट ऑफ द टूडेज एप्लीकेशन चाहे आपको जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए कि जिसमें हमने वो हर महीने उनको प्रोसेस करना है इवन उस तरह के भी केस में देर आर मैनी सिचुएशंस के जब आप यू वॉन्ट टू एक्सेस द रिकॉर्ड डायरेक्टली और सिक्वेंशल फाइल इस तरह की सिचुएशन में वैन यू वॉन्ट द डायरेक्ट एक्सेस इज नॉट सुटेबल क्यों आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू सो वी नीड सम मैकेनिज्म फॉर डायरेक्ट एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन यानी अब हमने ये तो देख लिया कि जो हमारी सिक्वेंशल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है इट ओनली सपोर्ट्स द सीक्वेंशियल एक्सेस एंड दैट डज नॉट सूट मैनी एप्लीकेशंस सो दोज एप्लीकेशन्स रिक्वायर सम मैकेजम ऑफ डायरेक्ट एक्सेस टू पर्टिकुलर रिकॉर्ड एक हो या मल्टीपल हो और देखिए एक बात जहन में रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस जगह पर हमें डायरेक्ट एक्सेस की ज़रूरत है वहाँ पर हमें सिक्वेंशल एक्सेस की जरूरत हो नहीं सकती या होती नहीं है ऐसा नहीं है इसका मतलब कि फॉर मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन यू नीड बेसिकली बोथ टाइप ऑफ एक्सेस सीक्वेंशल भी और डायरेक्ट भी तो अभी जो सिक्वेंशल का जो सोल्यूशन वो तो हमारे पास है सिक्वेंशल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में नाउ वन वी टॉक अबाउट द डायरेक्ट एक्सेस फॉर दैट टाइप ऑफ एक्सेस वी हैव गॉट टू ऑप्शन एक को हम कहते हैं कि इंडेक्स्ड सीक्वेंशल फाइल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है दे सपोर्ट द डायरेक्ट एक्सेस टू द पर्टिकुलर रिकॉर्ड और एक चीज में देखिएगा कि डायरेक्ट से क्या मुराद है डायरेक्ट से मुराद ये है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की जरूरत है तो अगर ये सिक्वेंशल फाइल के केस में अगर आप उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड एक्सेस इन ए सिक्वेंशल फाइल ऑर्गेनाइजेशन तो आपको बहुत सी एक्सेस करनी पड़ेंगी एक्सेसिस से माध्यम यह है कि यू विल हैव टू परफॉर्म मैनी रीड्स ऑन द डेस्क देन यू विल रीच ऑन योर रिक्वायर्ड रिकॉर्ड दोबारा देखिए कि जब हम बात करते हैं कि सिक्वेंशल फाइल जो है वो इनफिशेंट है क्यों कि आपको अपने मतलूबा रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए बहुत से रीड करने पड़ेंगे जब तमाम रीड करने के बाद बारी, बारी 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 आप अपने रिक्वायर्ड रिकॉर्ड पे तब पहुंचेंगे तमाम को बारी बारी रीड करने पे। लेकिन जो डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप डायरेक्टली अपने रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं उसमें आपको जैसे कि सिक्वेंशल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में है तमाम रिकॉर्ड्स को बारी बारी पढ़ना नहीं पड़ेगा अब यह है कि ऐसा भी नहीं है कि कोई कोई जादू की यहाँ पे कोई छड़ी है कि वो छलांग लगा के उसी जगह पहुंच जाएगा नहीं यह है कि उसमें जो हमारे पास डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं उनमें भी मे बी यू विल हैव टू मेक मल्टीपल एक्सेस मल्टीपल आपको रिट करने पड़ेंगे बट इफ़ यू कंपेयर दैम देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इज अज डिफरेंस बिटवीन द टू यानी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दी थी कि आपको एक लाख रिकॉर्ड में से अगर पचास हजार रिकॉर्ड पढ़ने को एक्सेस करने के लिए अगर आपको सिक्वेंशल फाइल में पचास हजार रीड करने पड़ेंगे पचास हजार रिकॉर्ड रीड करने पड़ेंगे तो हो सकता है कि जब हम बात करते हैं इंडेक्स सिक्वेंशल फाइल की उस केस में आपको 10, 15 या 20 तक आपको रीड करनी पड़े एंड यू रीच योर रिक्वायर्ड रिकॉर्ड आप देखिए कहाँ 20 और कहाँ पचास हजार और अगर आप इवन बात करें डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन की तो अ दे जादू की छड़ी यानी हो सकता है कि आप एक ही रीड में यू गो स्ट्रेट अवे टू योर रिक्वायर्ड रिकॉर्ड कैसे हम आगे देखेंगे फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन एज द नेम सजेस्ट रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन ए सीक्वेंस जनरली विद रिस्पेक्ट टू द प्राइमरी की बट इंडेक्स इज ऑल्सो मेंटेन्ड To provide direct access dekhen jaise देखें जैसे कि इसके नाम से ki है कि indexed sequential to iski तो इसकी एक बात तो gayi हो गई कि इसमें yahan जैसे likha लिखा हुआ है कि record store हो रहे sequence में उसी तरतीब में secondly indexes being maintained, मेनटेन्ड तो इन दोनों बातों को अगर हम मिलाएं तो हम ये भी कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इट सपोर्ट्स बोथ टाइप्स ऑफ it इट सपोर्ट्स sequential एक्सेस

बट द अदर ब्यूटी इज के अगर आपको डायरेक्ट एक्सेस भी करनी है जैसे आ, कोई भी कस्टमर आ गया आपने बिल ठीक करवाने के लिए इन दैट सिचुएशन यू डू नॉट नीड टू रीड ऑल द रिक्ड इन सीक्वेंस राधर देन टू कंसल्ट द इंडेक्स इंडेक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जो कि आपको डायरेक्टली उस रिकॉर्ड पर ले जाएगा जैसे मैंने आपसे कहा था कि यू यू मे हैव टू मेक मल्टीपल एक्सेस मल्टीपल बट दे आर रेलिटिवली मच मच लेस एस कंपेयर टू दीक्वेंशियल फाइल हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे इंडेक्स इज ए स्पेशल फाइल अगर आप रिलेशनल डाटा बेसिस देखें तो इसको भी आप एक टेबल की शक्ल में मतलब uh, कंसिडर कर सकते हैं सॉर्ट ऑफ अ टेबल दैट लिस्ट द की वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड एंड द एड्रेस ऑफ द रिकॉर्ड यानी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली कि आपके आप पास एक टेबल है ठीक है और इंडेक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्वियसली आप उससे फेमिली सुनाएं के आप जो भी बुक देखते हैं उसके शुरू में अगर आप देखें तो आप वो एक आपके पास जो एक टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं बेसिकली वो इंडेक्स की तरह से ही है कि आपको आपको अगर कोई रेफरेंस चाहिए तो आप उसका नाम पढ़ेंगे साथ ही उसका एड्रेस होगा उससे क्या होगा कि आप उस रेफरेंस को उस पेज पे डायरेक्टली वो पेज खोलेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे अगर इंडेक्स ना हो तो मिसाल के तौर पर फर्ज़ करें कि आपके पास एक डाटा की किताब है तो उसमें आपको आपको लेट्स से के एस क्यू एल का एस क्यू एल की कमांड या सेलेक्ट कमांड उसके बारे में देखना है तो अगर ये शुरू में जो इंडेक्स थी वो ना होता तो क्या होता कि आपको एक एक पेज देखना पड़ता पढ़ना पड़ता बारी बारी तमाम पेजेस देखने पड़ते और फिर आप उस पेज पे पहुंचते जहां पर एस क्यू एल की सेलेक्ट कमांड मौजूद है लेकिन अगर यही आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं तो उसमें आप दो तीन पेजेज में जल्दी से ढूंढ सकते हैं कि वेयर इज दी सेलेक्ट स्टेटमेंट या सेलेक्ट कमांड किस जगह पर एस का चैप्टर है और थोड़ा सा जो ये इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है वो इससे भी स्मार्ट है जो कि मैं आपको बुक एग्जांपल दे रहा हूँ बुक की एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसको इसलिए दे रहा हूँ कि वो समझने में आसान है और वो आप उस सफ़े हैं तो क्या उसमें कि आप जो उसमें शुरू में टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वहाँ उसको देखेंगे और वहाँ से आप ढूंढ लेंगे दो तीन पेजेस में वो उसके कंटेंट्स लिखे हुए होंगे वहाँ से आप ढूंढ लेंगे कि एक्स एस क्यू की जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो किस सफ़े पर है तो जब आपने वो सफ़ा देख लिया लर्सेज से थ्री थर्टी नाइन तो देन यू ओपन द पेजेस आप थोड़ा सा बुक आगे पीछे करते हैं एंड यू गो स्ट्रेट अवे टू द पेज नंबर थ्री थर्टी नाइन एंड देर इज स्टेटमेंट और अगर ये ना होता अगर आप इसको रेफर ना करते देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल द पेजेस बारी बारी और आप इससे महसूस कर सकते हैं कि कितना फर्क पड़ता है देखिए कुछ पेजेस तो आपको इस केस में भी खोलने पड़े जाहिर है आपने वो कंटेंट्स का पेज देखा फिर आप ऑब्वियसली यू यू डिन नॉट गो डायरेक्टली टू द्री थर्टी नाइन पेज फिर आपने खोला तीन सौ पेज आ गया जब दोबारा खोला तो फिर चार सौ आ गया फिर पीछे घर होते अल्टीमेटली यू रीड थ्री थर्टी नाइन लेकिन ये सोचें कि आपको इस, इस प्रोसेस में कितने पेजेस खोलने पड़े होंगे मे बी टेन मे बी फिफ्टीन मे बी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव लेकिन अगर आप इसको सिक्वेंशियल करते तो क्या होता हंड्रेड ऑफ पेजेस आई होप आपको कोई बात समझ आ गई होगी एड्रेस में भी ट्रैक नंबर अब एड्रेस क्या हो सकता है किस शक्ल में हो सकता है इस डिस्कशन को हम अभी यानी अभी टेट में नहीं जाते क्योंकि एड्रेस से वो उसकी प्रोसाइज शक्ल क्या होगी क्या फॉर्मेट होगा इसमें ये हमारे कंसर्न का नहीं बात लेकिन हमें ये चीज़ जानने की है कि वहां पे उसका एक एड्रेस है और इस कोर्स के सिंपलिसिटी के लिए हम ये समझते हैं कि वो ट्रैक नंबर होगा या अगर इसको और भी स्मार्ट करें तो वो सेक्टर नंबर भी हो सकता है लेकिन लड़ से हम इसको भी समझ लेते हैं कि वो ट्रैक नंबर होगा और ट्रैक क्या चीज़ है दिस वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर आपको याद होगा कि हमने कहा था कि जबकि हार्ड डिस्क है वो एक सर्कुलर पाथ्स में डाटा को स्टोर करती है और वो सर्कुलर पाथ जो हैं दे आर कॉल्ड द ट्रैक्स तो देखिए अब जाहिर है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वन रिकॉर्ड इज स्टोर्ड ऑन वन ट्रैक ये ज़रूरी नहीं है हो सकता है कि एक आजकल की जो डिस्क हैं वो एक ट्रैक में बहुत ज़्यादा स्पेस भी देती हैं तो ये इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वन ट्रैक स्टोर लट्स से हंड्रेड रिकॉर्ड्स या लट्स से फिफ्टी रिकॉर्ड्स आपके एक ट्रैक में पचास रिकॉर्ड स्टोर हैं तो अगर इसका मतलब है कि पचास रिकॉर्ड्स के अंदर पचास रिकॉर्ड अगर आप ट्रैक नंबर का रेफरेंस दे रहे हैं तो पचास रिकॉर्ड्स का जब आपने अगर आप इंडेक्स के अंदर देखें तो पचास रिकॉर्ड्स की की वैल्यू लिखी हुई है और उनके अगेंस्ट कौन सा लिखा हुआ, हुआ है एक ही ट्रैक नंबर लिखा हुआ है क्योंकि हमने कहा क्योंकि वैसे तो ये और भी स्मार्ट हो सकता है और भी क्लोज हो सकता है लेकिन अभी हम अगर फर्ज करें ट्रैक नंबर ही सपोज करते हैं इसका मतलब ये होगा कि आपको 50 रिकॉर्ड्स के लिए एक ही मिलेगा ट्रैक नंबर तो आप जब उस ट्रैक पे पहुंच जाएंगे तो अपने पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए हो सकता है कि आपको फिर सिक्वेंशियल एक्सेस करनी पड़े बट ओनली विद इन दैट रिकॉर्ड दैट एट मोस्ट कंटेन फिफ्टी रिकॉर्ड्स लेकिन आप एक एनवायरमेंट जहां पे लाखों रिकॉर्ड स्टोर हैं उसकी निस्बत अगर आप इसको कंपेयर करें दिस इज ए ब्लेसिंग आइए आगे चलते हैं केस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस रिक्वायरमेंट इंडेक्स इज एक्सेस्ड अदर देन दैट फाइल इट सेल्फ यानी जब आपने डायरेक्ट एक्सेस करनी है तो आप पहले जाएंगे इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स के ऊपर से आप अपनी जो रिक्वायर्ड इंडेक्स में क्या होगा कि वो जो जिसकी बेस पे आपकी फाइल स्टोर्ड है आपकी ऑब्वियसली प्राइमरी की वो तो प्राइमरी की आ, की वैल्यू और अगेंस्ट उस रिकॉर्ड का एड्रेस जिसकी प्राइमरी की ये स्टोर होंगे तो आपने जब डायरेक्ट एक्सेस करनी फर्ज कर यू सेट के सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट वेयर कस्टमर आई इज इक्वल टू हमने जैसे कहा था कि फिफ्टी तो अब इसमें सी दिस इस इज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट और वहां पे कंडीशन है और किस कंडीशन किस एट्रीब्यूट की वैल्यू पे है दैट इज द कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी बिकॉज इज आवर प्राइमरी की इस पे एक इंडेक्स बना हुआ है तो द डी विल कंसल्ट कंसर्ट द इंडेक्स फाइल इंडेक्स पे जाएगा और ये जो की वैल्यू है हमारी जो फिफ्टी सेवन था इसको ढूंढेगा उसमें अब सवाल एक ये पैदा होता है कि वो सर्चिंग जो है जो कि आपके आपके उसमें है इंडेक्स के अंदर है वो कैसे होगी वो कैसे होगी वो तो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी मैं आपको ये एक एग्जाम्पल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि वो सिक्वेंशर ही होती फ़र्ज़ करें वो सिक्वेंशर है यानी आपके पास कीज़ तमाम स्टोर हैं हमारे पास एक लाख रिकॉर्ड है एक लाख रिकॉर्ड्स की सिर्फ कीज़ और उनका ट्रैक नंबर स्टोर है एक टेबल की शक्ल अब आप ये देखें कि इसका कोई एडवांटेज क्या इसका भी एडवांटेज क्या इसका एडवाटेज ये है कि जब आप एक दफ़ा रीड करेंगे फर्ज़ करें कि आप एक दफ़ा रीड करते हुए एक ट्रैक को आप रीड कर लेते हैं पूरे ट्रैक को रीड कर लेते हैं तो उस एक ट्रैक के अंदर आपके पास जो है वो फर्ज करें कि आपके पास हो सकता है कि दो हजार जो है वो ये इस तरह के एंट्रीज आ जाए तो अगर आपको सिक्वेंशल कंपेयर भी करना पड़े तो डिस्क से आपने एक ही रीड किया उसके बेसिस आप दो हजार रिकॉर्ड कंपेयर कर सकते हैं भल well, ये तो वर्स्ट सिनेरियो है कि जब आप उसमें सर्च सिक्वेंशियल कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली आप नहीं करते क्या करते हैं आइए लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड इज ऑपटेन फ्रॉम इंडेक्स एंड देन द रिकॉर्ड इज एक्सेस्ड फ्रॉम दैट लोकेशन ये तो बात हम कर चुके हैं अब फर्ज करें कि नो दिस इज आवर डिस्क स्ट्रक्चर डिस्क तो हर जहरा के सर्कुलर पास पे होती है लेकिन यहां पे अपनी हमने सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहां पे उनको ड्रॉ किया हुआ है इसमें देखिए कि आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं ट्रैक्स के नंबर ट्रैक वन ट्रैक टू ट्रैक थ्री एंड लाइक दैट अब उसके बाद यहां पे आप देखिए कि एक ट्रैक के ऊपर हमने यहां पे चूंकि हमारा डिपेंड करता है कि एक ट्रैक में कितने रिकॉर्ड आते हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका रिकॉर्ड साइज़ क्या है उसके बाद आप भी कुछ चीज़ फिक्स कर सकते हैं लेकिन पहली चीज जो मेजर से मैं जो मैटर करती है दैट इज़ द रिकॉर्ड साइज़ अगर फ़र्ज करें हमारे ट्रैक की ब्लड से के जो कैपेसिटी है फर्ज करें वो दस हज़ार बाइट्स है अगर ट्रैक की कैपेसिटी इतनी है तो उस केस में जो अगर आपका रिकॉर्ड का साइज फर्ज करें कि रिकॉर्ड साइज अगर हज़ार है हज़ार बाइट्स का अगर रिकॉर्ड है तो ज़रा उसमें दस रिकॉर्ड आ सकते हैं एक ट्रैक के अंदर तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल ली हुई है इसलिए अगर आप देखें कि अब जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो स्टोर्ड हैं सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में यानी एस वन जीरो वन लेट्स ये स्टूडेंट की फाइल है तो स्टूडेंट वन जीरो वन वन जीरो फोर वन टेन वन फिफ्टीन वन ट्वेंटी लाइक दैट इस पर आप ये चीज देख लीजिए कि ये जरूरी नहीं है कि यू यू हैव गॉट ऑल द वैल्यूज इन सीक्वेंस ऑफ द प्राइमरी की मिसाल के तौर पर जैसे वन जीरो वन है उसके बाद वन जीरो फोर है फिर टू तो थ्री दरमियान में नहीं है इसी तरह यू सी आफ्टर वन जीरो फोर यू हैव गॉट वन टेन वो नहीं है वहां पर वेल इट मे बी ड्यू टू द रीजन दैट वी डिड नॉट यूज दीज नंबर्स मतलब हमने ये लोगों को असाइन ही नहीं किए यानी एस वन जीरो वन के बाद उस सिस्टम में उस ऑर्गेनाइजेशन में एस वन जीरो फोर ही असाइन किया गया था एक तो रीजन इसकी हो सकती है दूसरी रीजन ये हो सकती है कि वन जीरो टू एंड वन जीरो थ्री आर नॉट येट असाइंड या इवन इफ हैव बिन असाइंड देयर डाटा इज नॉट एंटर्ड इन टू द डाटा बेस येट तो ये जो सिचुएशन है दूसरी वाली ये थोड़ी मुख्तलिफ है क्योंकि पहली सिचुएशन में तो यह है कि जब आपने उन नंबर को इस्तेमाल ही नहीं करना इसका मतलब है कि देर इज़ नो चांस डेट यू आर गोइंग टू हैव दीज नंबर हेयर टू स्टोर हीयर लेकिन जब दूसरी सिचुएशन है जिसमें अभी आपने डाटा स्टोर नहीं किया या एलोकेट तो कर दिए लेकिन अभी अब स्टोर नहीं किया दूसरे में कभी एलोकेट ही नहीं किए उसमें चांसेस हैं this, uh, तो कि यू विल हैव दो नंबर टू स्टोर लेटर सम टाइम इन दिस डेटाबेस इस टाइप देखिए कि अब अगर आप एक ट्रैक की बात करते हैं हमारे पास पांच रिकॉर्ड्स तो पहले आ चुके हैं ट्रैक अगर ट्रैक वन की एग्जांपल लें तो फिर क्या होगा फर्ज करें इन दिस सिचुएशन वी हैव गॉट एस वन तो फिर क्या होगा अल दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इसका जो सोल्यूशन है वो अगर डिस्कस करेंगे आप अभी जस्ट मैंने आपको उसका बताना था कि यह प्रॉब्लम है इसमें अब नो दिस इज एन इंडेक्स फाइल ठीक है ये इंडेक्स फाइल है इसकी एग्जांपल है कि जो कि हमारे पीछे रिकॉर्ड स्टोर थे उनके लिए नो यू सी इन दिस एग्जांपल इंडेक्स यू फाइंड दैट देर इज एंट्री फॉर एवरी रिकॉर्ड इन योर टेबल इन योर डाटा टेबल अब उसमें क्या हो रहा है कि आपको जितने ये यानी हर जो की है रिकॉर्ड की उसके अगेंस्ट उसका एड्रेस है कि वो उस ट्रैक के अंदर है अब इसमें यह है कि आप जिस वक्त एक रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाहेंगे तो पहले आप यहां पर आएंगे इंडेक्स फाइल के अंदर इन सब को रीड करेंगे ठीक है और यहां पे आप सिक्वेंशली सर्च करेंगे अपनी की को इस केस में अब यह है कि आप कहेंगे कि यहाँ पे सीक्वेंस एक्सेस तो हो गई तो फिर एफिशिएंट का कहा इसका जवाब मैंने आपको पहले दे दिया है कि जब आप सिर्फ इंडेक्स फाइल के अंदर अगर इस केस में भी, भी जो आपके सामने इंडेक्स फाइल है इस केस में भी इवन इफ यू आर जस्ट स्टोरिंग द की वैल्यू एंड द एड्रेस देन साइज इज़ वेरी वेरी स्मॉल उस केस में एक ट्रैक के अंदर बहुत सारी एंट्रीज आ जाएंगी जब बहुत सारी एंट्रीज आ जाएंगी तो आप एक ही दफ़ा रीड करके उसको रैम में या प्रोसेसर में ले जाएंगे जैसे मैं कल बात की थी कि आपके पास चलेगी वो रैम में और रैम से वो कैश में चली गई वन द थिंग इज इन द कैश तो देन प्रोसेसर हैज़ नॉट टू वेस्ट द टाइम जो कि टाइम उसका वेस्ट होता है वन इट हैज टू रीड द डाटा फ्रॉम द डेस्क इस केस में आपका जो पूरा मतलब काफ़ी बड़ा जो इंडेक्स फाइल का पोर्शन है बहुत से रिकॉर्ड्स के बारे में डाटा जो है दैट गोज इन द कैश तो वहां से जो कि उसको डाटा अवेलेबल है प्रोसेसर को तो जो टाइम वेस्टेज का फैक्टर है दैट इज इन्वॉल्व दैट इज इंक्लूडेड वैन देर इज़ ए डिस्क एक्सेस इन्वाल्ड क्योंकि जो डिस्क एक्सेस है वो आपकी रैम से बहुत स्लो है और कैश की एक्सेस से तो बहुत ही स्लो है मतलब यह है कि अगर यह भी आपके पास सूर्त हाल हो तो इसमें भी यह है कि वो इको सीक्वेंश में सीक्वेंस में एक्सेस करेगा और अपना रिकॉर्ड का एड्रेस ढूंढ लेगा जब उसको एड्रेस मिल जाएगा तो उस ट्रैक पर डायरेक्टली पहुंच के वहां से रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेगा दिस दिस इज इज़ ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एन इंडेक्स फाइल एन इंडेक्स दैट स्टोर्स एंट्री फॉर ईच रिकॉर्ड इज कॉल्ड डेंस की एंड इंडेक्स जैसे कि हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा था कि उसमें चूंकि हर रिकॉर्ड की हर रिकॉर्ड की जो की की वैल्यूज के अगेंस्ट एक एंट्री थी इट मीनस दैट इज ए डेंस की इंडेक्स वन एंट्री फॉर इच रिकॉर्ड इज वेस्टेज सिंस विद इन द ट्रैक सर्च हैज़ टू बी सिक्वेंशियल एनी वे ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारा जो यूनिट है जो भी हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि उस एक यूनिट में एक रिकॉर्ड स्टोर हो उस यूनिट में जैसे मैंने हमने यहां पे ट्रैक लिया हुआ अब एक ट्रैक में हो सकता है कि आ रहे हैं। और जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो पांच रिकॉर्ड्स की कीज के अगेंस्ट तो आपको एक, वो मिलना है, एक ट्रैक नंबर मिलना है और फिर उस पर्टिकुलर ट्रैक के अंदर यू विल तो फॉर योर ओन रिक्वायर्ड रिकॉर्ड इन सिक्वेंशली उसके पांच एंट्रीज करना जो है इस वेस्टेज क्योंकि बात है कि पांच एंट्रीज करने का फायदा तब हो कि आपको एक रिकॉर्ड पर डायरेक्टली ले जाएगा ऐसा नहीं है बल्कि कुछ रिकॉर्ड को आपको सिक्वेंशली सर्च करना है तो इसलिए उसको जो एंट्रीज हैं हमने कहा कि वो ईच एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड तो जिसका सोल्यूशन है वो ये है कि नॉन डेंस इंडेक्स रादर देन एंट्री फॉर एवरी रिकॉर्ड एंट्री फॉर द रिकॉर्ड विद द हाइस्ट की वैल्यू इन द ट्रैक इज मेंटेन्ड इंडेक्स साइज रिड्यूस सर्च ऑल्सो गेट्स मोर एफिशेंट देखिए जैसे आपने अपने उसमें देखा था इंडेक्स डेंस uh, की इंडेक्स में कि आपको पांच रिकॉर्ड्स के लिए एक ही ट्रैक नंबर मिल रहा है अब आपको क्या है कि आप जब इन में से किसी भी रिकॉर्ड को आपने एक्सेस करना है तो क्या होगा कि आपको ट्रैक नंबर वन ही मिलेगा फर्ज करें या ट्रैक नंबर टेन मिलेगा जो भी ट्रैक का नंबर है वहाँ जाकर चूँकि यू मे फाइंड द फाइव रिकॉर्ड्स उन पाँच में यू विलव टू सर्च सिक्वेंशली जो नॉन डैक्स नॉन डेंस की इंडेक्स है उसमें आप क्या करते हैं कि rather than स्टोरिंग द एंट्री फॉर एवरी रिकॉर्ड वट यू डू यू स्टोर वन एंट्री फॉर वन ट्रैक एक बात और दूसरी बात यह है कि आपकी जो एक ट्रैक के अंदर हाइस्ट की वैल्यू है आप वो स्टोर कर लेते हैं जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास जो पीछे एग्जांपल गुजरी है इसमें आप अगर देखें तो 120 जो है वो हमारे पास फर्स्ट ट्रैक में मैक्सिमम वैल्यू थी हम ये करते हैं कि हम बजाय पांच एंट्रीज बनाने के वी प्लेस ए सिंगल एंट्री एंड दैट विल बी ट्वेंटी द की वैल्यू ऑफ द रिकॉर्ड विद हाइस्ट की वैल्यू और साथ कह देते हैं वन अब क्या होगा अब होगा ये कि जब आप और इसी तरह से तमाम ट्रैक्स के बारे में एंट्रीज होंगी तो फर्ज कर अगर हमारे पास पहले एक लाख रिकॉर्ड थे तो एक लाख के, के केस में क्या था कि हमारे पास जो डेंस की इंडेक्स था उस केस में हमारे पास इंडेक्स फाइल में एक लाख एंट्रीज थी लेकिन जब हम इसको इस एग्जाम्पल में फर्ज करें हमारे पास अगर एक ट्रैक पर पाँच रिकॉर्ड आते हैं तो उसमें जो आपका एंट्रीज है इन द इंडेक्स फाइल दे आर रिड्यूस टू एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई फाइव क्या होगा कि हर ट्रैक की एक एंट्री होगी तो बीस हजार एंट्रीज आएंगी तो देखें यहां से एकदम एक एक इतना एक डिफरेंस पड़ गया कि आपका जो साइज़ है उसका उसको साइज जो है आपके इंडेक्स फाइल का रिड्यूस हो गया एक फायदा फायदा तो आपको ये हो गया दूसरा ये है अब बात यह है कि आप सर्च कैसे करेंगे अब सर्च में भी आपको एडवांटेज ये है कि इन द डेंस की इंडेक्स आपको सर्च करना होता था सिक्वेंशली बारी बारी इसमें ऐसा नहीं है इसमें आप ये करेंगे कि आपको जो भी एक अगर रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है आप उस वैल्यू को जो आपको रिक्वायर्ड है उसको कंपेयर करेंगे नॉन डेंस की इंडेक्स की हर एंट्री के साथ और जब तक आप एक ऐसी एंट्री पे नहीं पहुंच जाते कि जिसकी वैल्यू आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू से बड़ी नहीं है आप स्किप करते जाएंगे यानी क्या होगा कि फर्ज करें कि आपको जो रिकॉर्ड नंबर रिक्वायर्ड है वो है एस टू ट्वेंटी का अगर 220 का रिक्वायर्ड है तो यहां जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि आप जब पहली एंट्री देखेंगे वहां पे लिखा होगा 120 और 1। इसका मतलब यह है कि ट्रैक नंबर वन में जो मैक्सिमम रिकॉर्ड स्टोर है वो 120 है ऐसे फर्ज करिए आप दूसरे ट्रैक की एंट्री पढ़ते हैं वहां पे है 138 थर्टी क्या मतलब है कि ट्रैक नंबर टू में जितने भी रिकॉर्ड स्टोर हैं उनकी जो मैक्सिमम की वैल्यू है वन थर्टी है अब इसका कोई एडवांटेज यह है कि आपने सिर्फ दो एंट्रीज को कंपेयर किया है आपको फायदा क्या हुआ है कि आपने पूरे दो ट्रैक रीड करने की जहमत से बच के एक तरफ बात एक तरफ तो सिक्वेंशन फाइल पे तो ये आपको एडवांटेज हो गया क्या वो दो ट्रैक आप रीड करने से बच गए एक दूसरा फायदा आपको ये हुआ अगर आप डेंस की इंडेक्स के साथ कंपेयर करें कि वहां पर आपको दस कीज कंपेयर करनी पड़ती बारी बारी सारी तब आपको पता चलता कि अब ये अभी तक हमारा इनके ट्रैक टू पे हमारा रिक्वायर्ड रिकॉर्ड नहीं है लेकिन आप सिर्फ दो को कंपेयर करने से आपको पता चल गया कि कम अज कम ट्रैक टू पर हमारा रिक्वायर्ड रिकॉर्ड नहीं है तो यह करते 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 जब आप पहुंचेंगे फर्स्ट करें हमारे पास एक एंट्री है लाइक like, टू uh, और ट्रैक नेट से थर्टी 35 और यह 220 से बड़ी पहली एंट्री थी तो आप समझ जाएंगे कि अगर हमारा जो रिक्वायर्ड रिकॉर्ड से टू था तो 220 अगर होगा तो वो ट्रैक नंबर 30 पे होगा यू गो डायरेक्टली टू द ट्रैक नंबर 30 वहां के पांच रिकॉर्ड्स हैं उनको बारी 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 पढ़ें अगर आपका जो 220 है ये हुआ तो उस ट्रैक पे होगा अगर इन पांच रिकॉर्ड में आपको नहीं मिलता देन दिस इज गारंटीड कि वो रिकॉर्ड जो है वो इस फाइल में है ही नहीं अदरवाइज ये बात आपको तब पता चलती कि अगर आप तमाम रिकॉर्ड्स को सीक्वेंस में पढ़ चुके होते तब जाके आपको बात पता चलती अब ये हार्डली हो सकता है कि आठ बारह तेरह एक्सरसाइज के दौरान या आठ तेरह रीड्स के बाद आपको यह पता चल गया कि यह रिकॉर्ड अगर है तो मिल गया नहीं है तो आपको यह पता चल जाएगा कि रिकॉर्ड नहीं एग्जिस्ट करता इंडेक्स साइज सर्च आल्सो गेट्स मोर एफिशिएंट पर कैसे वैसे अब यह देखिए कि ये जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वही हमारे पास जो ऊपर डाटा स्टोर है वो वही एग्जाम्पल है जो कि हमारे पास हम पहले देख चुके थे कि वो जो डेंस की इंडेक्स में था अब यहां पर देखिए कि जो हमारे पास नीचे जो हमें टेबल नजर आ रहा है दैट इज बेसिकली ए नॉन डेंस नॉन डेंस की इंडेक्स है उस पर अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे जो हमारा कॉलम है उस पर लिखा हुआ है हाइस्ट की ऑन ट्रैक और आगे लिखा हुआ है ट्रैक इसका मतलब यह है जैसे आपके सामने नजर भी आ रहा है कि ट्रैक वन पे जो हाइस्ट रिकॉर्ड है वो है वन तो वो लिखा हुआ वन ट्वेंटी वन वन थर्टी एट टू वन फिफ्टी थ्री थ्री अब देखिए क्या होगा फ्लट से यू वॉन्ट टू एक्सेस रिकॉर्ड नंबर वन फिफ्टी तो जो आप पढ़ेंगे वन ट्वेंटी वन इसको बताया कि जो आपका वन फिफ्टी वन ट्वेंटी से बड़ा है इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रैक वन पे रिकॉर्ड नहीं है फिर आपने वन थर्टी एट को देखा ट्रैक टू पे भी नहीं है फिर जब आप ट्रैक थ्री की एंट्री पे गए इंडेक्स के अंदर देयर सेट वन फिफ्टी थ्री एंड थ्री इट मीन्स के इफ़ योर फाइल कंटेन द रिकॉर्ड नंबर वन फिफ्टी दैन इट हैज़ टू बी ऑन ट्रैक नंबर थ्री आप ट्रैक नंबर थ्री पर डायरेक्टली जाएंगे तमाम तो रिकॉर्ड्स को बारी बारी पढ़ेंगे और जब आप वन फिफ्टी भी पहुँचेंगे देर इज योर रिकॉर्ड ओवर फ्लो इंट्रैक्स डियर स्टूडेंट्स जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखी और मैंने आपको पहले बताया भी था कि वेन यू आर एंटरिंग द डाटा इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट यू रिसीव द डाटा टू एंटर इन द प्रिसाइज ऑर्डर ऑफ इन प्रिसाइज सिक्वेंस ऑफ द की वैल्यू जैसे आपने पीछे भी देखा अभी जो हमने एग्जाम्पल देख रहे हैं कि देर आर गैप्स अब जाहरा है कि आप पास डेटा आए जा रहा है आप एंटर किए जा रहे हैं तो हमारे पास जैसे अभी हमने जो हम डायग्राम शो कर रहे हैं देर आर थ्री ट्रैक्स तो जाहरा कि जब आपका आपने एक पहले ट्रैक पर हमने तरतीब से वैल्यू प्रेस की उसके बाद दूसरे की बारी आ गई तीसरे की बारी आ गई अब देखें जो आपका इंडेक्स सीक्वेंशल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें द सीक्वेंस ऑफ द की हैज़ टू बी मेंटेन अब उसमें एग्जाम्पल ये कि फर्स्ट करें आप रिकॉर्ड स्टोर करने जा रहे हैं आपने पहले रिकॉर्ड स्टोर किया फर्स्ट करें वो था एस वन जीरो वन आपने पहली पोजिशन पर ट्राकॉन में स्टोर कर दिया फर्ज करें उसके बाद आपके पास आ जाता है एस वन जीरो फाइव आपने एस वन जीरो वन के बाद स्टोर कर दिया एस वन जीरो फाइव लेकिन लेट्स से इसके बाद आ जाता है एस वन जीरो थ्री अब अब देखें कि ट्रा जो एस वन जीरो थ्री है आपका उसकी पोजिशन बनती है ज़रा इसी उस इस पर लेकिन अगर आप को मेनटेन करें Then S103 has to be stored before S105. स्टोर so in order to maintain the तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द सीक्वेंस अब क्या होगा कि एस वन जीरो फाइव को आगे push किया जाएगा और यहाँ पे जो empty space create होगी उस जगह पे store किया जाएगा एस वन जीरो थ्री क्यों To maintain the sequence of the key value. क्योंकि जब आपको sequential access करनी होती है तो आप sequential access उसी case में कर सकेंगे कि अगर वो सीक्वेस पड़ी हुई है वरना ये होगा वन जीरो पड़ी हुई है तो वन पता चले कि वो दस ट्रैक पड़े परे पड़ी हुई है क्योंकि वो आयुषक थी ना तो इसलिए इसमें यह तो है कि आप जो की की वैल्यू के बेस पे सीक्वेंस है दैट यू मेंटेन और उसमें अगर आपको बज दफ़ा यानी जाहिर है कि आप ये फोर्स तो नहीं कर सकते ये फोर्स तो नहीं कर सकते किसी जगह कि हमें आप की की सीक्वेंस में ही डाटा दें या मैं एंटर करूंगा वेल यू कैन टेल देम कि इट इज़ बेटर इफ़ यू गिव गिवस्ट द डाटा इन द की सीक्वेंस ऑर्डर लेकिन वो नहीं अवेलेबल नहीं देते तो आप ये नहीं कह सकते कि हम आगे जाएंगे ही नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो उस केस में यह है कि बेहतर तो यह है कि उस ऑर्डर मिल जाए नहीं मिलता तो आपको जिस ऑर्डर में डाटा मिल रहा है आप एंटर करेंगे और वैन एवर यू यूर यू एवर वेन जो एवर यू रिसीव ए वैल्यू कि जो कि एंटर्ड वैल्यू से छोटी है दैन यूल हैव टू तो पुश सर्टन वैल्यूज और माइंड कि अगर आप जो डाटा एंटर कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा इस तरह से जो है ना वो इनके उस पर बहुत ज़्यादा जंबल्स हैं इस तरीके से तो उस केस में जरा कि जो आपकी डाटा एंट्री है वो दैट इट बिकम्स इनएफिशिएंट तो बेहतर है कि आप जैसे इतनी बड़ी एक अगर सेटअप है जैसे हमने आपको बिलिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स दी हैं उस केस में बेहतर ये पॉसिबल है वहाँ पर जाहिर है कि यू अरेंज योर डाटा बिफोर एंट्रिंग इन टू द कंप्यूटर ताकि आप वो सीक्वेंस में एंटर करते रहें दैट बिकम्स वेरी स्मूथ दैन कि पहला रिकॉर्ड उसके बाद दूसरा और फिर लाइक दैट लेकिन जैसे आपसे कहा है कि यू कैन नॉट अवॉइड इट इन ऑल सिचुएशन लीस्ट तो उस केस में जैसे हमने कहा कि वो अगर तो जगह है तो चीज़ें पुश होंगी लेकिन वॉट कि इफ द थिंग्स आर फुल द ट्रैक इज़ फुल स्टिल समथिंग कम्स इन दैट हैज टू बी स्टोर्ड ऑन दैट ट्रैक अब दिस इज ए सिचुएशन दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो इन ट्रैक्स इससे क्या मतलब है कि एक ट्रैक जो है वह फुल हो चुका हुआ है और फिर एक रिकॉर्ड ऐसा आ जाता है दैट हैज टू बी ऑन दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है कि हमारे पास पहले ट्रैक में जो मैक्सिम की वैल्यू है दैट इज वन ट्वेंटी अब वन एटीन जो है वो नेक्स्ट ट्रैक पे नहीं जा सकता बिकॉज 120 ट्वेंटी इज ऑन ट्रैक वन और 118 जो है इट हैज टू बी स्टोर्ड बिफोर 120 अब अगर तो जगह होती तो वी वी वुड वैव पुश दन ट्वेंटी फॉरवर्ड एंड प्लेस एटीन देयर बट बट द ट्रैक इज फुलर इज दो स्पेस देयर इस केस में क्या होगा दिस इज सिचुएशन दैट इज कॉल्ड ट्रैक ओवरफ्लो के रिकॉर्ड ने स्टोर होना उस ट्रैक में बट देयर इज नो स्पेस देयर यह सामने एग्जाम्पल्स है अब आप देख रहे हैं जैसे हमने पहले देख लिया हुआ कि हमारे पास जो कीज़ हैं वो तमाम कंजेक्टिव नहीं है और देर आर गैप्स देर अब ओवरफ्लो को हैंडल करने का एक तरीका ये है कि यू एंटिसपेट दैट बिफोर हैंड आप आपको एंटिसपेट करें कि ओवरफ्लो तो होने हैं वट टू डू यू लीव सम स्पेस इन द ट्रैक्स आप ये करते हैं कि आप उसमें कुछ ब्लैंक रिकॉर्ड्स की जगह छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे अब मिसाल के तौर पर हमने उन्हीं रिकॉर्ड्स को जो हम पहले एंटर कर चुके हुए हैं उन्हीं को हमने दोबारा अरेंज किया है और आप देख रहे हैं कि अब जो आपका फर्स्ट ट्रैक है वहाँ पर जो फिफ्थ रिकॉर्ड था पहले वो था वन ट्वेंटी अब वन ट्वेंटी वी हैव मूव टू द सेकेंड ट्रैक और हमने ट्रैक वन में वी हैव प्लेस्ड ए प्लेस फॉर ए ब्लैंक रिकॉर्ड ये किस लिए है दिस इज़ टू कवर ओवरफ्लो इफ़ इट हैपन्स ऑन एनी ट्रैक तो ज़ाहिर है कि आपने तमाम ट्रैक्स में जितने भी आपके ट्रैक्स पे डाटा स्टोर था यू रिजर्व सम ओवर फ्लो स्पेस सम ब्लैक स्पेस फॉर द रिकॉर्ड दैट इनकाउंटर द ओवर फ्लो सिचुएशन तो अब फर्ज करें कि इसमें हमारे पास ये सिचुएशन थी और हमारे पास एक रिकॉर्ड फर्ज कर आ जाता है लाइक वन जीरो अब वन ज़ीरोट जो है इसकी प्लेस बनती है पहले ट्रैक में क्यों बिकॉज इट इज़ लेस दैन एस वन फिफ्टीन एस वन फिफ्टीन इज़ द हाइस्ट रिकॉर्ड इन ट्रैक वन और चूँकि एस वन जीरो छोटा है एस वन फिफ्टीन से इसका मतलब यह है कि इट हैज़ टू बी स्टोर्ड ऑन द ट्रैक नंबर वन अब चूंकि ट्रैक नंबर वन पर स्टोर होना एक बात दूसरी बात यह है कि इन ऑर्डर टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द की इट हैज़ टू बी स्टोर्ड बिफोर इवन एस वन टेन क्योंकि वही बात है कि एस वन जीरो जो है वो छोटा है एस वन टेन से और चूंकि बड़ा है वन जीरो फोर से उसके बाद आएगा अब चूँकि जो इसकी प्रॉपर प्लेस है इट इज ऑलरेडी फिल्ड तो आप क्या करेंगे जैसे कि आपको नीचे वाले हिस्से में नजर आ रहा है वट यू विल डू यू विल पुश एस वन टेन एंड एस वन फिफ्टीन फॉरवर्ड जैसे आप देख रहे हैं कि अब एस वन टेन जो है वो चौथी पोजिशन पर आ गया और एस वन फिफ्टीन द प्लेस दैट वॉज लेफ्ट एज ब्लैंक बिफोर नो एस वन फिफ्टीन हैज बीन मूव्ड टू दैट प्लेस एंड द प्लेस दैट हैज बीन एम्पटिड बाय द मूवमेंट ऑफ दिस टू रिकॉर्ड एंड दैट वॉज द प्लेस ऑफ द एस वन टेन उस जगह पे अब आपका एस वन जीरो एट नजर आ रहा है इसका कोई एडवांटेज यह हुआ कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं दे आर स्टिल मेंटेनिंग द सीक्वेंस कि वो जो आपका की का सीक्वेंस है वो मेंटेन रह रहा है और नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस द रिकॉर्ड सीक्वेंशली तो आप देखें आप पहले ट्रैक से पढ़ना शुरू करेंगे आपको तमाम रिकॉर्ड हैं, वो एक सीक्वेंस में मिल रहे हैं दिस इज हाउ द records are inserted into a index sequential file. we have got a solution for a certain problem, and that was the overflow problem. but the thing is, ke this solution is limited one. it caters our problem, it solves our problem up to a certain extent, so now, if you one track may equal call overflow, hua, to just done. but what about if ड कम्स इन फॉर द सेम ट्रैक इट इज अ प्रॉब्लम देन और देखिए इस प्रॉब्लम को जो अभी तक हमने सोल्यूशन दिया है उस स्नैरियो में हल करने का तरीका क्या है बहुत इंटरेस्टिंग है हो गया कि आप फर्ज करें कि आपका ट्रैक वन में एक ओवरफ्लो आया एक रिकॉर्ड आया आपने उसको एडजस्ट कर दिया फर्ज करें कि आप एक और रिकॉर्ड आ गया जो कि ट्रैक वन का ही था वेल यू कैन नॉट अवॉइड इट ऐसा नहीं कर सकते कि अब आ गया तो मेरा एक ओवरफ्लो हो गया था मैं एडजस्ट कर दिया अब बस और नहीं करना ऐसा नहीं हो सकता यू हैव टू एडजस्ट दैट अब उस सिचुएशन में हल क्या है हल ये है कि आप जितने भी आपके पास रिकॉर्ड हैं यानी चूंकि इसे तो फर्स्ट ट्रैक पर ना फर्स्ट ट्रैक फुल हो चुका है उस उसको जगह नहीं है नो यू हैव टू क्रिएट अ प्लेस इन द सेकेंड ट्रैक यानी जो आपका पहले ट्रैक का आखिरी रिकॉर्ड है उसको सेकेंड ट्रैक मूव करें और सेकेंड ट्रैक को मूव करने के बाद आप ये करें कि वो जहाँ जगह बनती है वहां पर आप फर्स्ट ट्रैक में रिकॉर्ड को प्लेस कर दें बट वाट इफ सेकेंड ट्रैक इज ऑलरेडी फील्ड तो सेकेंड ट्रैक का का एक रिकॉर्ड निकाल के आपको थर्ड मूव करना पड़ेगा ताकि सेकेंड ट्रैक में जगह क्रिएट हो और वहाँ आप रिकॉर्ड ये प्लेस हो जो नया अभी आया सेकेंड ट्रैक में बट वाट इफ थर्ड इज़ ऑल्सो ऑलरेडी फील्ड यू विल गो टू द फोर्थ बट वाट इफ फोर्थ इज़ ऑल्सो फेल्ड फिफ्थ एंड लाइक दैट इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपको आपके पास फर्ज करें कि साठ हजार रिकॉर्ड थे और आपके पास ऐसा रिकॉर्ड आ गया कि जिसके बेस पे आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे जो रिकॉर्ड हैं एक प्लेस आगे मूव करने पड़ेंगे और तब जाके आपका एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा आई होप आपको इस सिचुएशन की प्रॉब्लम समझ आ गया होगा इसका मतलब है कि द दोल्यूशन दैट वी हैव वीड सो फार इट केटर्स अ सर्टन लिमिट उसके बाद जो है ना वो जो जिस तरीके से ये सोल्यूशन हैंडल करता है हमारे प्रॉब्लम को दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव वेरी वेरी इन वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग उसका सोल्यूशन जो है या इस सारे इसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो ये है कि इन द इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स वी हैव एन ओवरफ्लो एरिया ओवरफ्लो एरिया ऐसा है कि वो दैट इज सॉर्ट ऑफ जैसे आप कह सकते हैं नो मेंस लैंड टाइप जगह है उसमें यह है कि जितने भी आपके रिकॉर्ड जो कि अपने ट्रैक से ओवरफ्लो करते हैं ऑल ऑफ देम दे आर मूव्ड टू द ओवरफ्लो एरिया ठीक है यानी उनकी जो एंट्री एंट्रीज हैं उनकी ऑफिस में होगा ये कि जब आप एक ट्रैक का एक एक एंट्री मूव करते हैं ओवरफ्लो एरिया में तो साथ ही आप अपना जो ट्रैक है जिससे वो एंट्रीज बिलोंग करती है वहाँ पे आप एक उसका लिंक भी डाल देंगे कि ओवरफ्लो एरिया में फलां जगह पे हमारे जो आ, इस ट्रैक की एक एंट्री पड़ी हुई है तो अगर आप फर्स्ट रिकॉर्ड ढूंढ रहे हैं तो आपको वहाँ नहीं मिलता देन यू कम टू तो द ओवरफ्लो एरिया आप देखेंगे अभी हमने इसको डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये हमारे पास सिचुएशन है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो सबसे से एंटर्ड हुए हैं और आप देखेंगे तमाम ट्रैक्स हैं दे आर फुल अप टू देर मैक्सिमम कैपेसिटी वी हैव गॉट एन ओवरफ्लो एरिया इसमें अगर आप देखें कि जो ओवरफ्लो एरिया है ये एक लिहाज से एक सॉर्ट छोटा समय कि एक डिस्क स्पेस है वो जो कि अनलिमिटेड तरह आपने जो ना एज रिजर्व की हुई जितने ओवरफ्लो रिकॉर्ड आते रहेंगे वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे सी ओवरफ्लो एरिया होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसका बेदरी इस्तेमाल शुरू कर दें आप क्या करें कि आप रिकॉर्ड्स को ना डिफरेंट गैप्स में एंटर शुरू करना करना शुरू कर दें और बाद में गैप के दरमियान के रिकॉर्ड लाना शुरू कर दें इससे क्या होगा कि आपके रिकॉर्ड जो तो आपकी जो एंट्रीज हैं वो आपकी उससे ट्रैक से हट के मूव होना शुरू हो जाएंगी ओवरफ्लो एरिया में और इस जो ओवरफ्लो एरिया का जो इस्तेमाल जब भी आएगा उसमें उसमें इनएफिशंसी इन्वॉल्व हो जाएगी क्यों वो अभी आपको पता चल जाएगा देखिए मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास जो स्टार्ट से अगर आप इस सिनेरियो को देखें तो द हाइएस्ट ही इन द ट्रैक वन वाज 115 अच्छा अब वन फिफ्टीन के बाद इस पर अगर आप देखें कि हमारे पास वन जीरो थ्री आया जब वन जीरो थ्री आया उससे ये हुआ कि वन फिफ्टीन आपका वो आउट हो गया इसके बाद वन जीरो नाइन आ गया तो आपका जो वन वो भी आउट हो गया अब सिचुएशन ये है कि जो आपका एक्चुअल ट्रैक है उसमें जो हाइस्ट रिकॉर्ड है वो है एस वन टेन लेकिन जो हमारे पास ओवरफ्लो एरिया है उसमें जो पहला रिकॉर्ड है जो कि ट्रैक वन से बिलोंग करता है वो है एस वन जो है वो उसकी बारी आती है एस वन टेन से तो फ्रॉम एस वन टेन वी विल गेट ए रेफरेंस टू रिकॉर्ड एस वन और एस वन के अंदर रेफरेंस होगा अगर आप देखें एस वन ट्वेल्व से पहले लिखा हुआ है वन इसका मतलब यह है कि इस ओवरफ्लो एरिया में जो रिकॉर्ड नंबर वन है वो इस ट्रैक का नेक्स्ट रिकॉर्ड है तो आप जब सीक्वेंस एक्सेस करेंगे तो 112 से आ जाएंगे 115 पे वहां पड़ा हुआ है एंड इफ यू सी द पॉइंटर अलोंग विद द फिफ्टीन देयर यू सी ए जीरो इसका मतलब यह है कि ये ट्रैक वन का लास्ट रिकॉर्ड है इसीलिए अगर आप देखें कि जो आपके पास ट्रैक टू है ट्रैक टू में आपके पास अगर आप वन के बाद आप वहां से आपको एड्रेस मिल जाएगा वन का और 130 के साथ अगर आप देखें तो लिखा हुआ फाइव इसका मतलब है कि इसी ट्रैक का जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है जो कि ओवर एरिया में है वो रिकॉर्ड नंबर फाइव है वहाँ से आप फाइव पे चले जाएंगे और फाइव पे लिखा हुआ है वन, वन के साथ जीरो इसका मतलब ये आखिरी रिकॉर्ड है और इसी तरीके से जो ट्रैक नंबर थ्री है वहाँ से आपका जो है वो 140 फोर्टी आपको मिल जाएगा रेफरेंस किसका 143 फोटी वाले रिकॉर्ड का जो कि फोर्थ रिकॉर्ड है और वहाँ लिखा हुआ जीरो इसका मतलब है कि ओवरफ्लो एरिया में इसके अलावा कोई और रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है तो दिस इज़ हाउ द ओवर इन द ट्रैक्स आर हैंडल्ड इस तमाम चेंज का इफेक्ट इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ेगा वो देखिए नो दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड इंडेक्स नाउ इस इससे आपके पास एंट्रीज कैसी हैं क्या आप कह रहे हैं कि ट्रैक नंबर वन के ऊपर आपके पास जो हाईएस्ट की है वो है 110 अगर आप ट्रैक को देखें तो वहां पे बाकी रिकॉर्ड नंबर 110 जो स्टोर्ड है और वो हाईएस्ट वैल्यू है वहां पे लेकिन साथ ही नेक्स्ट एंट्री वो ये कह रही है कि हाईएस्ट की इन ओवर एरिया फॉर ट्रैक वन वो क्या होगी 115 इसी तरीके से अगर आप देखें कि जो उसके बाद एंट्री है वो है एड्रेस ऑफ एस वन टेल्व देखिए हाइस्ट की स्टोर्ड है लेकिन साथ ही उसके जो आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है जो आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है जिसका ताल्लुक के ट्रैक वन से है और वो ओवर फ्लो एरिया में है उसका एड्रेस होगा यानी अब देखिए जो वन ट्वेल्व है आपका दैट इज़ इन द थर्ड प्लेस इन द ओवर फ्लो एरिया तो यहाँ पर यह एड्रेस होगा कि वो इस पोजीशन पर है ओवर फ्लो एरिया में ताकि आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाएँ उससे आगे फिर सिक्वेंशल एक्सेस होगी जितने भी रिकॉर्ड होंगे उस ट्रैक के इसी तरह अगर आप सेकंड में देखें वी हैव गॉट के एस वन ट्वेंटी एट इज द हाइस्ट की इन द ट्रैक इट और एस वन थर्टी वन इज द हाइस्ट की वैल्यू इन द ओवरफ्लो एरिया फॉर ट्रैक टू और साथ ही एड्रेस होगा एड्रेस ऑफ वन का क्योंकि वन जो है वो नेक्स्ट रिकॉर्ड बनता है वन के बाद इसी तरह आपके पास जो है वो थर्ड रिकॉर्ड के बारे में यही डाटा है अब देखिए जब आप के पास ये सिचुएशन आ गई अब जैसे जैसे आप रिकॉर्ड एंटर करेंगे चाहे वो आपके पास नॉर्मल एरिया में आए चाहे वो ओवरफ्लो एरिया में आए तो उसके मुताबिक आपके जो ये इंडेक्स की एंट्रीज हैं वो एडजस्ट होंगी और इसे आपको अंदाज़ा हो, हो जाना चाहिए अब तक कि अगर आप एक इंडेक्स सीक्वेंशल फाइल के अंदर इफ़ यू डू नॉट स्टोर द डाटा इन द सीक्वेंस तो उससे क्या प्रॉब्लम कितने उसमें ओवरहेड आ गए हैं देखे ना अगर आपके पास अगर आप एक सिंपल सीक्वेंस में एंटर करते रहते हैं उससे आपको एडवांटेज क्या होगा कि आपके रिकॉर्ड तमाम एक सीक्वेंस में स्टोर हैं और बल्कि उसमें तो होगा कि आपने जो अगर आ, हर ट्रैक के अंदर जो ओवरफ्लो एरिया छोड़ा हुआ है वो भी खाली रह जाएगा वो भी इस्तेमाल में नहीं होगा तो चाहे वो आप उसको वेस्टेज कहें लेकिन एफिशियंसी के लिहाज से दैट इज़ फाइन कि तमाम रिकॉर्ड सीक्वेंस में है और कभी भी आपके पास जो है ना वो नहीं आएगा लेकिन अगर आप रिकॉर्ड्स को इस तरह से एक ऑर्डर में स्टोर नहीं करते तो उसमें ये एडजस्ट तो हो जाएगा बट इससे बहुत ज़्यादा ओवरहेड इन्वाल्व हो जाएगा दैट इंट्रोड्यूसेस इनएफिशिएंसी डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहाँ वाइंड अप करेंगे आज हमने जो हमारे पास दूसरी तरह की फाइल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन वी डिस्कस्ड दैट वी स्टडीड डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल एंड दैट इज सपोर्ट्स द सिक्वेंशियल एज फार एज एज वेल एज द डायरेक्ट एक्सेस तो आपको दोनों बेनिफिट्स जो है वो इसमें मिलते हैं लेकिन जो इसमें ओवरहेड इन्वॉल्व होता है दैट इज़ द क्रिएशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ द इंडेक्स फाइल और ज़ाहिर है कि जब मैंने आपसे कहा था कि सिक्वेंशल फ़ाइल की ये एडवांटेज है कि उसमें कोई ओवरहेड इन्वॉल्व नहीं होता यहां पर आपने देखा है कि स्टोरेज के लिहाज से भी और उसको मेंटेन करने के लिहाज से भी इंडेक्स फाइल का एक ओवरहेड इन्वॉल्व है और ये भी मैं आपने लास्ट में देख लिया कि अगर आप इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो इट कैन इन्वॉल्व टू मच ओवर हैड जिसमें ओवरफ्लो में जा रहा है इधर से मूव ओवर उधर से मूव हो रहा है आई होप आपको तमाम सैरी समझाया गया होगा और जब आप एक इन्वायरमेंट में डाटा बेस में डाटा एंट्री करेंगे तो आपको उसका पता चलेगा कि प्रॉपर सीक्वेंस में एंटर करने का फ़ायदा क्या है उससे कैसे अफिशेंसी गेन होगी बाकी आ, की डिस्कशन आइंदा लेक्चर में होगी अल्लाह हाफ़